बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप अच्छे होंगे। बहुत शदीद जिसको कहेंगे वो ट्रैफिक थी और स्नो जो है वो बाहर पड़ रही है जी। और मैं पहले कुछ 2 घंटे 3 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी आपके इमिग्रेशन सवालों के जवाब पे, और जस्ट अभी घर पहुंचा ही हूँ। 15-20 मिनट हो गए, लेकिन बहुत ट्रैफिक की वजह से बहुत टाइम लग गया आज ना। तो बहरहाल यूके में, यूरोप में स्नो बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी गाड़ियाँ जो है वो बड़ा स्लो तरीके से चलाएं और जल्दबाजी ना करें ट्रैफिक की वजह से या बाकी वजह से, बिल्कुल स्लो रहिएगा। अच्छा जी, ये पर्सनल सा व्लॉग है, यहाँ पे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और बताइएगा। एक तो ये फूल कैसे लग रहे हैं जी, सेकेंड स्नो जो है आपके एरियाज में कितनी पड़ रही है, और आपने क्या एहतियाती जो तदाबीर होती हैं वो क्या आपने अपनाई हैं, क्या करना चाहिए। और सेकंड मैं आज आपके साथ एक रेसिपी जो है वो शेयर करूंगा जी, आलू और मटर जो है वो मैं भुनवे आलू मटर जेड़े ना जी वो बनाऊंगा, और बताइएगा वो भी कैसी लगी आपको। ये बड़े ताज़ा फ्रेश गुलाब जी, ज़बरदस्त। मैं स्नो दिखाता हूँ आपको, ये मेरे गार्डन में देखिए जी, स्नो जो है वैसे तो मेरे ये नेबर से निहारी आई है, लेकिन मूड था कि मैं आलू मटर बनाऊं जी। अच्छा जी, ये आ गए जी मटर, 2 टमाटर मैंने ले लिए जी, और ये आलू जो है ये बड़े बड़े छोटे स्मॉल साइज के आलू हैं, वैसे छोटे साइज़ के ही 3 प्याज मैंने लिए, और ये अदरक और लहसुन। अच्छा जी, ये देखिए मैंने ये प्याज को या ये पोटैटो को, आलू को या ये टमाटर को, ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही काटा है जैसे सलाद की तरह, सैलड की तरह। अक्सर लोग कहते हैं जी इसको बड़ा बारीक बारीक काटें। भाई बारीक क्यों कटो जी, कोई कानून थोड़ी है कि इसको लाजमी बारीक काटना। इसको मैंने ये बिल्कुल जैसे फ्राइज चिप्स की तरह बनते हैं उसको वैसे रखा, और ये इसको बिल्कुल सैलड स्टाइल रखा है ऐसे, थोड़ा सा ऑयल डाल के और हल्का सा इसमें ये सॉल्ट हल्का सा डाल। नहीं जी, ऑयल के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल डाल के सॉल्ट डाल के और फिर ये मैंने आलू डाल दूँगा। अब ये देखिए इसको, ये बिल्कुल जैसे वो फ्राइज चिप्स की तरह बनते हैं, इसको पहले हल्का करेंगे, इसका टेस्ट ही डिफरेंट आता है। अच्छा, वो जिस वक्त ये आलू जो है ये हल्के हल्के एक तो ब्राउनिश टाइप हो जाएंगे, और उसके बाद जो है लोग ये पहले ये डालते हैं, पहले प्याज डालते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, फिर उसको मसाला भून के फिर वो, नहीं, इस वाले रेसिपी में आपने पहले आलूओं को जो है वो ब्राउन करना है, जैसे प्याज ब्राउन करते हैं ना चावल बनाने वास्ते, उन्हें ब्राउन करना है, उसके बाद ये डालना है जी। ये देखिए आलूओं की शक्ल जो है हल्के हल्के ब्राउन। अब ये वाला सारा जो मटेरियल है ये इसमें आप डाल सकते हैं, ले ये सारा मिक्स हो गया, ले ये बड़ा ज़बरदस्त हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई, लेकिन अभी आप देखिए कोई मैंने मसाला वगैरह नहीं डाला। ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जो है ये ऐसे, मैं चूँकि मैं एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ तो दैट्स वाई थोड़ा मुश्किल हो रही है। ये अब मैं इसको हल्का हल्का ऊपर ये डालूंगा जी, और उसके बाद इसका, ताकि इसका थोड़ा कलर जो है ना, ये कलर से भी बासकर हांडी बहुत खूबसूरत लगती है। ले अच्छा जी, जब तक हांडी जड़ी ये पक दी है, थोड़े सवालों के जवाब दे दिए। ये किसी दोस्त ने सवाल भेजा, उन्होंने कहा जी कि अगर यूनिवर्सिटी मतलब रीसेट के लिए वो बैठ रहे हैं स्टूडेंट जो है, और यूनिवर्सिटी ने भी एक्सटेंड कर दिया है, तो क्या अब वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकते हैं कि नहीं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो देखिए, उसमें रीसेट का या वो यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन का ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक ये बनता है जो CAS जो लेटर है उसकी आपने डेट देखनी है। अगर वो डेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तो, और वीज़ा बाकी वैलिड है उनका, तो बिल्कुल वो जा सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। सो उसमें आपने देखना ये है कि वो जो CAS लेटर जो है जिसकी बेस के ऊपर उनको एडमिशन मिला था वो डेट वैलिड है, तो उनको वेट करना पड़ेगा। अगर वो डेट एक्सपायर हो चुकी है
सो देन यस द आंसर इज वो बिल्कुल जा सकते हैं जी। लें जी देख लें फिर आज के इस वीडियो व्लॉग में आपको क्या कुछ मिल रहा है। हांडी एक तरफ जो आलू मटर की रेसिपी भी और साथ साथ जो है ये स्नो भी दिखा रहा हूँ और इमिग्रेशन के सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ। पहले ये मेरा ये देखिए बाहर स्नो की कंडीशन और उसके बाद जो है दो तीन बड़े मज़ेदार आप लोगों के इमिग्रेशन सवाल आए हैं उसका भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन ये जो गार्डन की सिचुएशन है और स्नो पड़ने के बाद किस तरह की लग रही है ये बड़ा मज़ेदार लग रहा है सीन जो है ये देखिए आप। वाह ले जी ये वो फूल है जो मैं अक्सर आप लोगों को अक्सर दिखाता था कि इसके आगे बैठ कर मैंने कई वीडियोस भी की हैं। यहाँ पे गुलाब के फूल लगते हैं और लेकिन ये अभी स्नो लगी है जी इसके ऊपर। और ये वाह क्या बात है जी मैं जब बाहर भी सराउंडिंग भी दिखाऊंगा आपको। हेलो ये देखिए जी मेरा शुगर घर जो है ये फार्म हाउस तो नहीं है लेकिन एरिया उसी टाइप का ही है। ये देखिए घोड़ा भी बने आते ले जी वीडियो में मैं भी आ गया और पीछे ये भी आ गया और ये सराउंडिंग भी आ गई। क्या बात है जी बड़ा मज़ेदार जो है ये वाला क्लिप बन गया जी। हाँ जी तो आंते नहीं कोई चाहिए इमीग्रेशन एडवाइस तो जी इसी घोड़े में भी पूछ ले हैं। यहाँ पे आपको पता है ये जो आउटसाइड दी कंट्री डॉग्स या बाकी जाएं उनकी भी बकायदा इमीग्रेशन और पासपोर्ट और ये वो सारा सिलसिला होता है ये सारा। और ये जो इवन के ये घोड़े या हॉर्सेज या बाकी जो एनिमल्स आउट ऑफ दी कंट्री लेके जाते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या बाकी जो है इनके भी अपने डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं ये इसके ऊपर एक बड़ा इसके ऊपर भी एक लॉ है ये किसी दिन किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जी। वैसे ठंड बिल्कुल नहीं है जी और वेदर जो है वैसे स्नो है लेकिन मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल है मतलब मुझे कोई बाहर खड़े कोई सर्दी फील नहीं हो रही। चलिए अंदर चलते हैं अपने आलू मटर को देखने। अच्छा जी आपने पूछा है कि ये COS से क्या आपका मीनिंग है। सो COS होता है जी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेकिन मैंने उसमें COS नहीं CAS का कहा है। जिस वक्त आप एज अ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो जो आपको लेटर इशू किया जाता है उसको CAS कहा जाता है और जिस वक्त आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेते हैं तो उस वक्त जो आपको इशू किया जाता है वो COS होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सो बेसिकली इसमें CAS और COS इसमें A और O का डिफरेंस आता है ये दोनों का फ़र्क जो है वो ये बनता है जी। चलिए हूँ तो पहले चेक कराइए हांडी किवें दी बनी है फिर आगे बाकी सवालों का जवाब। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त जो है भुनी जा रही है जी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। लें जी खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही दिखाइए आपको और इसके बाद जो है उसमें तीन चीज़ें ऐड होंगी। एक तो ये चिल्ली ये देखिए मैंने काटी नहीं है इसको आज हर चीज़ सेपरेट नया स्टाइल रखा है इसको बीच में कट लगाया ये देखेंगे। और उसके बाद इसमें आप मटर डालेंगे और लास्ट के ऊपर धनिया जिंजर कोरिएंडर वो जो है एंड के ऊपर वो जाएगा जिंजर मैंने वैसे डाल दिया जी। अच्छा एक और बड़ा मज़ेदार ये किसी का सवाल था उन्होंने कहा जी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से विड्रॉल हो चुकी है और जो इनका एजेंट है उन्होंने उनकी जो फीस थी वो भी वापस उनको दिलवा दी है फीस उनको वापस चली गई है और यूनिवर्सिटी से विड्रॉल भी हो चुकी है तो क्या आप वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं जा सकते जी इनसाइड दी कंट्री वो चाहे तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो रिफ्यूज़ल आएगी। उसमें आपके लिए जो बेस्ट जो मैं चीज़ शेयर करूंगा वो यही है कि ना आप यहाँ से फीस इवन के न्यू फीस देंगे भी तो यूनिवर्सिटी आपको नया कैश लेटर यहाँ से नहीं इशू करेगी वो कहेंगे कि जी यू नीड टू गो बैक आप वापस जाइए और वहाँ से नया वीज़ा जो है अपने बैक होम कंट्री से लेके आए। सो सेम जो ऐसा ही जो कानून है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर भी है। बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की एप्लीकेशन डाल लेते हैं लेकिन उसमें मोस्टली जो है वो रिफ्यूज़ल ही आती है। सो व्हाट आई सुजेस्ट कि उसकी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आपकी चूंकि फीस भी रिफंड हो चुकी है आपके सारे मामला भी सॉर्टेड हैं गो बैक टू योर होम कंट्री बैक होम या जहाँ की आपके पास रेजिडेंसी है वहाँ जाइए और वहाँ पर अगर आप दोबारा स्टूडेंट आना चाहें
तब भी आपको बैक होम कंट्री से आना पड़ेगा, और अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आना चाहें तो तब भी आपको बैक होम कंट्री से आना पड़ेगा। यहाँ पे आप रहते हुए स्विचिंग नहीं कर सकते हैं बाय लॉ जो है अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन रूल्स, और अगर आप उसमें ट्राई करेंगे तो ये ना हो कि आपका जो करंट वीजा है उसमें भी गड़बड़ हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी से जब बात करते हैं कहते हैं जी कि आप हमें यहीं से अकोमोडेट करें, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक तो टाइम काफ़ी लगा देती हैं, और सेकंड ये है कि वो आपको एक ही ऑफर कराती हैं, ओके जी आप एग्जिट कीजिए, वापस जाइए, हम आपको कैश लेटर नया देंगे और आप अपना बैक होम कंट्री से वीजा लेके आ जाएं। सो इस व्हाट आई सजेस्ट कि द बेस्ट ऑप्शन इज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, गो बैक टू योर कंट्री एंड गेट अ न्यू वीजा फ्रॉम योर बैक होम, जो है चाहे वो स्टूडेंट का लें या स्किल्ड वर्कर का वीजा का, जो भी लेना, लेकिन यहां की बजाय अपने होम कंट्री से आप ट्राई करें। सो दैट्स द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड बेस्ट ऑप्शन। ले जी आलूआं दे उत्ते मटर आ गए ते मिर्चां देखो कितनी खूबसूरत, देखें कैसा लग रहा था, वाओ। ले जी अब इसको थोड़ी देर के लिए ना, जिसको कहते हैं ना दम पे लाना, इसको दम पे लगाएंगे और फिर देखते हैं कैसा बनता है। जी रोटी जो है बड़ी ज़बरदस्त, ये देख रहे कैसी बनी है, ले शक्ल देखिए, वाह वाह ज़बरदस्त। लें जी हांडी डन है जी, और रोटी ये पड़ी है, मुझे वैसे पतली सी बारीक रोटी बहुत अच्छी लगती है, मोटी जड़ी साइडा दे कई लोग पकाने ना जी मोटियाँ मोटियाँ मैंने बहुत बुरियाँ लगती हैं। वाओ इट्स डन, धुएं दे नाल धुआं आ रहा है ना, देखिए आप। लें जी कैसा लग रहा है, वाओ। अच्छा जी आज का वीडियो ब्लॉग आपको कैसा लगा एक तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, इमिग्रेशन के दो चार सवाल तो आपके जवाब दिए ही हैं, और ये रेसिपी भी शेयर की, वाह ज़बरदस्त, और ये फूल भी, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों से रिक्वेस्ट भी किया करें कि सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जितनी ज़्यादा कम्यूनिटी होगी उतना ज़्यादा जो है वो बात करने का, कॉमेंट्स करने का, आगे से सवाल के जवाब देने का और चीज़ें शेयर करने का मज़ा आता है जी। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।